वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं आपको ये वाला जो चार्जर होता है ओकिनावा का, तो इस चार्जर के बारे में बताएंगे कि इस पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास दो बोर्ड है, एक बोर्ड में पूरा ट्रांसफार्मर, इसका हीट सिंक, मॉस्फेट और इसका जो सर्किट डायोड है सब निकला हुआ है, ठीक है। और एक जो है इसमें सब लगा हुआ है, प्रॉब्लम दोनों में है, ठीक है। ये बोर्ड इसका है, ये इसका किसी और का है, ये समझ लो, ठीक है। तो मैं इस दोनों का प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। ये तो फुल्ली डेड है, ठीक है। चलो तो पहले मैं आपको इसको ऑन करके एक बार दिखाता हूँ कि ये पूरी तरह से डेड है। पावर सप्लाई में इसको दे देता हूँ, तो सीरीज वाइज दे दिया गया है। ये वाला कनेक्ट हो चुका है, एक्चुअली में ये नहीं कनेक्ट हुआ। तो देखो इस पे लाइट जल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन लाइट जल रहा है, सब चीज़ निकला हुआ है फिर भी हमारा लाइट जल रहा है, ठीक है। तो ये इसी टाइप का चार्ज है, इसमें अलग से ये SMPS दिया रहता है, ठीक है, उसके थ्रू इसमें पावर सप्लाई तो ऑन हो जाता है, ठीक है, रिले भी ऑन होने लगता है। ये फ्रीक्वेंसी सेक्शन इसका अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो देखो अभी रिले का आवाज़ आया किट से, फिर ऑफ हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मल्टीमीटर से इसके जो मॉस्फेट की गेट और ड्रेन पिन पे अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, माइनस में है तो इसको पलट लेते हैं। देखो 4.62, ठीक है, तो इसका ये वोल्टेज इतना आना चाहिए, प्रॉपर है, बट ये वोल्टेज हमारे जो ये बैटरी वाला कनेक्शन है इसको कनेक्ट करने के बाद जब ये रेड लाइट जले तब आना चाहिए, ग्रीन लाइट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रीन अभी जल रहा है, अभी मैं देखो इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी इसको ऑफ कर दिया, थोड़ी देर में कैपेसिटर चार्ज है, तो अब इसमें मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफ हो चुका है, अब इस पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी का वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। देखिए 74 वोल्ट अभी आ रहा है, ठीक है। तो देखो अभी ये ऑफ है, इसको मैं ऑन करूँगा और इस वाले दोनों पिन पे मॉस्फेट के गेट और सोर्स पे मैं मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर मैंने लगा के रख लिया है, अभी जैसे इसको ऑन करता हूँ देखिएगा ये ऑन हो गया, लाइट इसका जलने लगा, जैसे रेड जला लेकिन हमारा इधर फ्रीक्वेंसी नहीं आया, बैटरी कनेक्ट हो चुका है, अब ये ग्रीन जला, ग्रीन जलने के बाद हमारा ये सिग्नल आ रहा है। तो ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद ग्रीन जलने के बाद सिग्नल नहीं आना चाहिए, रेड जलने के बाद सिग्नल हमारा ऑन होना चाहिए, तब ये चार्जर ओके है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है, ये बैटरी सेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब बैटरी का वोल्टेज इस पर नहीं जा पा रहा है, इसको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा बैटरी कनेक्ट हो चुका है, जिसके कारण ये ओवर करेंट प्रोटेक्शन मोड में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो रिले का आवाज़ अभी आया, फिर ऑफ हो गया, फिर भी हमारा वोल्टेज इस पर बना हुआ है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसको साइड कर देते हैं। इसमें ये तो पूरी तरह से डेड है, ठीक है, तो इसमें हमारा ये दोनों मॉस्फेट है, तो ये मॉस्फेट इसका शॉर्ट है, ठीक है। ये देखो इसमें बीप साउंड आ रहा है, ठीक है, 1.9 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दे रहा है,
दोनों शॉर्ट है इसके, तो शॉर्ट है इसकी वजह से इसमें ये वाला जो होता है ये एक प्रकार का फ्यूज रहता है, ये फ्यूज हमारा ओपन हो चुका है जिसकी वजह से ये अभी डेड है। ये देख सकते हैं यहाँ फ्यूज हमारा, इस पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है ना बजर बज रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसके भी सारे कंपोनेंट निकालता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको दोनों बोर्ड को एक साथ चेक करेंगे। इसके पीछे का ये इस हीट सिंक पे इसको अलग रखने के लिए लगा होता है, इसको संभाल के निकालना रहता है। ठीक है, तो चलो दोनों मॉस्फेट को निकाल लिया जाए। ये डबल मॉस्फेट लगा होता है जो कि महंगा होता है। तो ये निकल गया। चलो तो दोनों को एक बार और चेक कर लेते हैं निकाल के। बजर मोड पे ऑन कर लेना है, ठीक है। तो देखो ये शॉर्ट है, बजर ऑन है, रेजिस्टेंस भी इसका 2 पॉइंट कुछ समथिंग दे रहा है, तो ये शॉर्ट है दोनों मॉस्फेट, ठीक है। तो इस मॉस्फेट के नंबर क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी दिख गया 65TF09। ठीक है, तो चलो अब इस पर मैं फ्यूज, इसका जो ये फ्यूज है इसको शॉर्ट करता हूँ, कैपेसिटर को लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि नहीं हमारा। छोटा सा तार लेंगे इस तरह से और इस वाले फ्यूज को शॉर्ट कर देंगे।
अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, बिना बैटरी कनेक्ट हुई ऑन करके एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखो लाइट जल गई इसका। अभी इसमें कैपेसिटर नहीं लगा है इसलिए प्रॉपर वर्क नहीं किया, पहले हम इसको कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर को लगाए बिना हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए कैपेसिटर लगाना ही पड़ता है। ठीक है, कैपेसिटर लग गया है। चलो फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, आपकी लाइट देखिएगा, लाइट जल गया, चालू हो गया, रेड लाइट जल गया, अब ग्रीन लाइट जला है। ठीक है, तो मॉस्फेट ऑस्फेट लगा ना रहे तो भी हमारा फैन ऑन हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं फैन ऑन हो गया है। अभी अब इसके मॉस्फेट वाले पे वोल्टेज चेक करते हैं, अभी ग्रीन लाइट है, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो अभी इस पर वोल्टेज होना चाहिए 4.6 वोल्ट। देखो इस पे 4.769 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें जैसे बैटरी कनेक्ट करूँगा, तो जब ये रेड लाइट हो, ठीक है, ये ग्रीन जो है रेड लाइट हो, तभी इस पे वोल्टेज आना चाहिए, और ग्रीन जलने के बाद वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तब तो ये प्रॉपर ओके है, हम इस पे दूसरा मॉस्फेट सेम लगा के चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। बैटरी के लिए मेरे पास ये वाला कनेक्टर नहीं है, इसलिए मैं अलग से दूसरा वायर जोड़ के इस पर बैटरी कनेक्ट करूँगा। बैटरी का वोल्टेज आ चुका है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, देख सकते हैं 74 वोल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब इसको ये लाइट में बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये लाइट दिख सके, या थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अब इसके इस पर हम इसको लगा के रखते हैं, जैसे ही मैं ऑन करूँगा, देखो ऑन हो गया, अभी येलो लाइट जल रहा है, अभी इस पर कोई वोल्टेज, अब देखो रेड लाइट जला, जैसे ही अब वोल्टेज आ गया, फिर उसके बाद ग्रीन जलेगा तो ये बंद हो गया, अब देखो ग्रीन जलने लगा तो ये बंद हो गया, मतलब ये बिल्कुल ओके है, इस पर हम मॉस्फेट लगा के इसको दे सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार मैं फिर इसको बंद करता हूँ, फिर से चालू करके दिखाता हूँ।
पॉइंट ए, इसको लगा दिया गया है। यहाँ से लाइट देखना, जैसे ये ऑन करता हूँ देखो ये लाइट ऑन हो गया, अभी येलो जल रहा है, अभी यहाँ वोल्टेज है देखो रेड आया, इधर वोल्टेज आने लगा, रेड लाइट जल रहा है, अब ग्रीन बंद। तो ये कंडीशन अगर चार्जर की है तो बिल्कुल ओके, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 77 किलोहर्ट्ज़ के आसपास आती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी मोड पे आ गया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लिया, अभी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी आपको शो कर रहा है, ठीक। तो पावर ऑन करते हैं, अभी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, ये डिफ़ॉल्ट, जैसे रेड लाइट जलेगा देखो अब आ गया फ्रीक्वेंसी 77 किलोहर्ट्ज़, यहाँ पे किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, अब बंद हो गया, ठीक है। तो 77 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस पर आती है एक चैनल पे। तो चलो इसलिए मैं मॉस्फेट लगा के इसको रेडी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।